ये रुके हुए और खुल के फिर हम जा रहे हैं अपने डब्बे पे। डब्बा नंबर सारे मजे से बैठे हैं, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। यूनिफॉर्म देखें यहाँ पे, कोहली ग्रीन में, लाहौर में रेड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो आज की विलास वाज करते हैं। विलास वाज करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से, और तो मैं भी आया हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन लाहौर कराची कैंट में। तो यहाँ पर मैंने रेलवे के मतलब रेल की टिकट ली हुई है, तो रेल पर आऊँगा आज मुल्तान, मुल्तान से फिर आगे सफ़र कर। तो मेरी ज़िंदगी के पहली राइड होगी ट्रेन पे, जिनके पहली बार ट्रेन पर आ रहा हूँ। आज से पहले मैं ट्रेन वो अनाउंसमेंट हो रही है कि मैं पहली बार ट्रेन पे बैठ रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार ट्रेन पे मैं आ रहा हूँ मुल्तान, और ट्रेन की पहली पहली सवारी कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कैसा तजर्बा रहता है। तो इंशाल्लाह दुआ करना, सपोर्ट करना, अल्लाह मैं कह से आज फिर ट्रेन में बैठ रहे हैं, ट्रेन हमारी लग चुकी है। रेलवे की पार्किंग ये वाली, और ये सारे बैठे हैं कोहली हजरात। कोहली वो जो सामान लेके रेल पे ले जाते हैं, और सामान लेके पैर गेट तक भी छोड़ आते हैं। ये कोहली है, मस्जिद है रेलवे की स्टेशन की, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये सारे ये कोहली हजरात हैं, उनको बोलते हैं कोहली सामान उठाने वाले। इधर भी बैठे हैं वो, आगे भी देखें कितने सारे फिर रहे हैं, जगह जगह पर यही हैं। ये लोगों का सामान ड्रॉप करने में उनकी मदद करते हैं, फिर पैसे लेते हैं। यहाँ से अगर इनको हम सामान दें तो रेलवे तक ले जाएंगे, फिर वहाँ से उठा के लाना और बैर गेट तक छोड़ा है। ये सारे वही बैठे हैं आराम, ये बैठे हैं इसके आगे, फिर वो बैठे हैं ये भी, ये साइड पे भी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनकी यूनिफॉर्म चेक करें, नीचे कपड़े पहने हुए लेकिन ऊपर ये रेड कलर की शर्ट सब ने पहनी हुई है। ये देखें, इधर देखें, इधर देखें, क्या हाल है भाई, रक्षे साहब इधर ही मिलते हैं। और सैयद एक्सप्रेस, ये फिर गाड़ियों की पार्किंग है ये वाले, इधर लोग भी बैठे हैं और कोहली ज़रात बैठे हैं वेटिंग एरिया के, जो बैर वाले हैं टिकटों लेने वाले उधर आके लाइनों में लगे हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा। और वो जो ये वाइट ये बिल्डिंग है, ये मुसाफिरों के लिए इंतज़ार का है, मतलब यहाँ पर बैठ कर आराम सुकून से इंतज़ार कर सकते हैं अपनी ट्रेन का। जब भी हमारी ट्रेन आएगी तकरीबन शाम 5 बजे की टिकट है हमारी, और शाम 5 ट्रेन का तो नाम पता नहीं है, वो करवाई थी ऑनलाइन, तो भाई अब देखूँ क्या नाम है। तो मुल्तान तक, कराची से मुल्तान लाहौर वाली है वो, मुजफ्फरगढ़ नहीं जाएगी, मुल्तान जाएगी। ये देखें वो आगे लाइनों में टिकट लेने के लिए, वो लाइनों में लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए लेने। ये यहाँ पे लसानी वालों का लंगर खाना, ये कराची में ये चीज़ बहुत है, जगह जगह पे फ्री खाने के पॉइंट्स हर जगह पे। हमारी ट्रेन में अभी घंटा रहता है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर इंतज़ार गाह में, वहाँ का मोल देखते हैं कैसे बैठने का, तो वहीं जाके इंतज़ार करते हैं। फिर फ्री खाने का टाइम हो गया तो मैं जा रहा हूँ स्टेशन, तो वहाँ पर जाकर ट्रेन शायद लगी हुई है, ट्रेन में बैठते हैं। 5:30 ट्रेन निकलने हैं, तो 5 बज गए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ उधर। छोटा सिस्टम है ये मुसाफिरों को बैठने की जगह इंतज़ार का, ये रूम भी बने हुए हैं VIP टिकटों वाले मेरे, अंदर रूम में बैठते हैं, बाकी यहाँ पे बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। पक्के छक्के लगे हुए हैं, यहीं पर ट्रेन आएगी, एक तो आ गई है जाने वाली है। ये देख, ये भी इंतज़ार का मरते अंदर वाले इंतज़ार, वाओ रूम चेक करें इंतज़ार है, क्या बात, बसों के तरह से नहीं होते, ट्रेन के ज़बरदस्त हैं। चार्जिंग करो, ये वाशरूम, ये रेलवे स्टेशन पुल पे खड़े होकर पूरा रेलवे स्टेशन देख, ये रेलवे स्टेशन है, ये हमारी ट्रेन की भी है ये वाली, यहाँ से मैं नीचे उतरना है और 11 डब्बा नंबर 11 पे हमने बैठ लिया। ये मैं ट्रेन लग चुकी है, अभी मैं ट्रेन के अंदर चढ़ रहा हूँ। ये हमारा डिब्बा ट्रेन के अंदर में आ गया हूँ, और ये ऊपर बर्थ सोने के लिए ये वाले सीट, ये बर्थ सीट। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेन ऐसा ऐसा चल पड़ी है, और हम ट्रेन के अंदर बैठेंगे। स्लो स्लो
ट्रेन का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहता है। विंडो सीट है, शीशा शीशा नहीं है, सारा रास्ता धूल छूट होगी। खैर ट्रेन स्पीड करती जा रही है, स्टेशन उस्टेशन छोड़ती है, आवाज़ देखें कैसी जा रही है। सारे मज़े से बैठे हैं, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई क्या कर रहा है। फैमिली मिल गए। मैं भी ये जामुन बेचने वाला आया था, तो इसे एक पाव जामुन दिए। तो अभी ट्रेन चली जा रही है, मगर का टाइम है। ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ट्रेन में बैठ के आप खाना खा सकते हो। मैं साथ खाना लेके आया था, तो ट्रेन के अंदर ही खाना खा रहा है, ये मज़ा है। बट 7 बजे का और ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद स्टेशन में पहुँच चुकी है और यहाँ पर रुकी हुई है 10 मिनट के लिए। अभी ये है हैदराबाद स्टेशन, रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये भी सही है, ये ट्रेन तकरीबन 10-15 मिनट यहाँ पर स्टे करेगी, फिर यहाँ से चलेगी। हैदराबाद स्टेशन पर रुकी हुई है एक ये मालदार ट्रेन भी, लोडर ट्रेन भी यहाँ पर रुकी हुई है। ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन। खाना खाने के बाद पेश खिदमत है चाय और बिस्कुट। बिस्कुट तो नहीं खाएंगे, लेकिन चाय ज़रूर पिए। ये बैर से चाय लिए यहाँ से हैदराबाद स्टेशन। वो चल रही है और मुसाफर चलती रेल में चढ़ते जा रहे हैं। सर ये देखो, ट्रेन का सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं ट्रेन के ऊपर सोया पड़ा हूँ। राम स्कूल से सो के ट्रेन पर बैठा हूँ। अभी टाइम हो रहा 11:30 का और ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे सखर स्टेशन पे। तकरीबन आधा घंटा रुकेगी, उसके बाद फिर चलेगी मुल्तान इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे तक पहुँच जाए। यहाँ से मैं चाय ले रहा हूँ। कितने का कप है भाई? 50 रुपये का। चाय तो सही है, एक नंबर है सही। रात के 11 बजे ट्रेन रुकी हुई है, 12 बजने रात के, और चाय रोड स्टेशन सखर। अगर अंदर गर्मी हो जाए तो डोर में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवाएं भी ले सकते हैं आप। वैसे मज़े से बड़ी ज़बरदस्त हवा लग रही है यहाँ पर। ये चल रही है स्टेशन। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पहुँच चुकी हैं सुबह 6 बजे। क्या बात है, बड़ी जल्दी पहुँचा दिया भाई। ट्रेन तो बता कराची एक्सप्रेस, ये मुल्तान एयरपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। खैर खरीत सिर्फ और सिर्फ 13 घंटों में पहुंची है कराची एक्सप्रेस। वाओ कमाल हो। ये है जी मुल्तान का रेलवे स्टेशन। मुल्तान रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं बैर से रिक्शा वगैरह लेंगे, फिर जाएंगे बिहाड़ी चौक, वहां से फिर मुजफ्फरगढ़ की भी गाड़ी लेनी है। ये लाहौर जाने वाले या कहीं और जाने वाले वेटिंग एरिया में बैठे थे। ये हमारे वाले ट्रेन खड़ी जो कराची से आई है अभी मुल्तान। सिर्फ और सिर्फ 13 घंटों में, मतलब अभी सुबह 6 बज रहे हैं, वहाँ से 5 बजे निकली थी, 13 घंटों में पहुँच चुके हैं मुल्तान। ज़बरदस्त, हम तो ये सोच रहे थे कि 9 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन ये इसने तो सरप्राइज दे दिया, 6 बजे पहुँच गए। कराची एक्सप्रेस नेक्स्ट कभी कभी आना हुआ तो कराची में ही आएंगे, कराची एक्सप्रेस में। बैर जाने का रास्ता, अभी हम यहाँ से बैर जा रहे हैं। यहाँ से सुबह लोग लाइनों में लग के टिकटें ले रहे हैं कहीं जाने वाले। अभी हम आ गए इधर बैर, यहाँ से रिक्शा या टैक्सी जो भी होगा लेंगे। ये अभी बैर का, ये जी मुल्तान का रेलवे स्टेशन जो कैंट में है, मुल्तान छावनी। ये देखो सामने, ये मुल्तान रेलवे स्टेशन व्हाइट कलर, अक्सर रेड में होती है, व्हाइट में। यानी यूनिफॉर्म देखें, यहाँ पे कोली ग्रीन में, लाहौर में रेड में। ये कोई इंजन खड़ा है रेल का अनवैशी तौर पे, काफ़ी पुराना है। देखे रेलवे स्टेशन ज़बरदस्त है हमारा मुल्तान का। और ये है आउट गेट, यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये पार्किंग भी साथ ही है, इसके ऊपर ये हेडलाइट चक्कर है, इतनी बड़ी है।
नशी तौर पे है तो खराब है। इस टाइम मुल्तान गाड़ी चौक पे पहुंच चुका हूं और यहां से लेने मुजफ्फर की गाड़ी, ये है मुल्तान गाड़ी चौक है, तो पीछे मैं आ गया। ये है मुल्तान गाड़ी चौक, देखिए यहाँ पे कैसे पड़ेंगे सारे जलाल को क्या बात पढ़ते हुए देखना कनेक्ट है यार जी था, वैसे पता कहीं नहीं लगे वैसे। यहाँ से लेने मैंने मुजफ्फर की गाड़ी 8 बजे सुबह को और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से पहुँच चुके हैं मुजफ्फरगढ़। ये हमारा गेट है, अभी हम जा रहे हैं आगे कुलोनी घर। वैन वाले ने अभी उधर गेट इधर उतारा है मेन रोड पे, क्या हमें रिसीव करने रास्ते में गेट भी आ गया। पैदल है बाइक नहीं ले गया? नहीं। क्यों? बाबा ने कहा कि ठीक है। अच्छा पैदल अब सामान उठाने है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से घर पहुँच चुके हैं।